बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुल बिन सोई। कहते हैं बगैर सत्संग के आदमी को ज्ञान नहीं होगा, और बड़ी कृपा हो परमात्मा की तब सत्संग सुनने का मौका मिलता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले छोटे प्यारे बच्चे आए हैं, ये बड़े आदमी बनेंगे सब के सब, लड़कियाँ बड़ी अच्छी को प्रिंसिपल लेक्चरार बनेंगे सब, तो ये मेरी बात तो सुन लेना। पहले बच्चे आए ना, इनके लिए एक स्पेशल सत्संग आ रहे कि आप जो जितने वो भी पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करने के लिए माँ बाप ने भेजा है। अगर पढ़ाई करते हो तो 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर लेना, 91, 92, 93। पहला काम आपका ये है, और नहीं तो टाइम खोते हो घर वालों के बाप नहीं, क्यों आजकल नौकरी नहीं मिलेगी। और 100 में से 90 नंबर से ऊपर देगा उसको हर जगह जहाज आएगा नौकरी। तो पहला काम आपका है नौकरी ऐसे नंबर लेना। 100 में से 91, 92 नंबर लेता है वो लड़का लड़की कामयाब है। कहीं भी जाओ, इस कोने में जाओ, इसमें कोने में जाओ, जहाँ जाएगा हर कंपटीशन पास होगा। एक बात। दूसरी बात है कि आप भी निकले हैं बड़े आदमी बनने के लिए, तो पहला काम यह है सबसे पहले गुरु माता गुरु पिता। सुबह उठ करके घर में उठो, अपने माँ बाप दादा दादाजी वगैरह हैं उनको चरण स्पर्श करो, मेरे को आशीर्वाद दो माता जी, मैं बड़ा आदमी बनूँ। माता जी मेरा आशीर्वाद दो, मैं नौकरी बहुत अच्छा रोक लगूँ। माता जी मेरा आशीर्वाद दो कि मैं नंबर पूरा लेता जाऊँ। हमेशा आशीर्वाद दो, प्यार से जाओ, खुशी से और नम्रता से। दोनों हाथ पैरों को लगाओ, जानते हो ना, दोनों हाथ पैरों को लगाओ, माथे को लगाओ और मेरे को आशीर्वाद दो। पहला आपने स्वरूप गुरु माता पिता को बोलना है। मतलब तो सभी जाते हैं मत्था मारते रहते मूर्ति के साथ में, असली गुरु तो ये है, मूर्ति बोलती तो नहीं है। अरे माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और जो माँ बाप का सम्मान करता है वो छोटा आदमी रह नहीं सकता। आप समझे ना, क्योंकि माँ बाप बहुत मन से पालते हैं बच्चे को, और फिर सब डिफॉल्टर बन जाते हैं, सब दुखी होगा। ये दुख जितना भी है सुन लो, दुख कोई नहीं है बच्चे, सुनते तुम्हारे दिए दे रहे हो स्पेशल सत्संग, इनके लिए बाद में बोलूँगा, तुमको तुम्हारे दिए बोल रहा हूँ। तुम्हारी उम्र है अभी, एक बात, तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। अब तुम थोड़ी उम्र पर आ रहे हो, 17-18 साल की, 16 साल की उम्र में या 15-14 साल में बच्चा थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो आज का ज़माना, आजकल जो कामुकता का ज़माना है बहुत ज़्यादा, नाच गाना वगैरह, तो जब तक पढ़ते हो तब तक सब जितनी लड़कियां बहन की तरह देखोगे, समझे, तब तो तुम आप कामयाब हो जाओगे नहीं गिर जाओगे। कहते हैं आदमी की मेच्योरिटी आती है जब तक के लिए वो बिस्कुट से लड़कियों को या लड़की की तरह की ख्याल ही औरत का ख्याल नहीं करेगा। जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन, तो बहनों को समझोगे जब तक ब्याह शादी नहीं होती है तो तुम कामयाब रहोगे। कोई भी लड़कियाँ कैसे बोलती हैं, आजकल लड़कियाँ भी शरारत करती, लड़के भी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बोले भाई ये ऐसे लड़के तो बहन हैं, तुम्हें तो मेरी बहन है, ऐसे कर ही निकल जाओ, बस चुप हो जाएगी। सुनते हो मेरी बात, और लड़कियाँ जो ऐसा कोई कहता है तो बोले तो भाई मेरा है, क्या करता है तो क्या कहता है, फाड़ बोल भी अच्छी तरह बोले, अक्कर से बोले, समझ गया ना बात। तो जब तक आप इस जवान नहीं होते हो तब तक, अगर ब्याह शादी नहीं होता तब तक सब लड़कियों बहन समझोगे तुम शेर रहोगे, बिल्कुल तुम्हारा ब्रह्मचारी एक शक्ति रहेगी और कोई डर भय नहीं होगा तुमको, और बहुत अच्छे नंबर दोगे। तो पहले स्कूल के बच्चों के लिए ये सत्संग पहली बेस है। ऐसा अगर मेरी बात को मानोगे तो बड़े ऑफिसर बनोगे। मैं तो ऑफिसरी ज़िंदगी काटी है पूरी, वर्ल्ड वार सेकंड में 1939 की नौकरी युद्ध में भर्ती हुआ था 1942 में सेना में, और पूरी नौकरी किया, ऑफिसर बन के आया हूँ, पूरी उम्र अफसर रहा हूँ, अंग्रेजों का ज़माना था। तो आप लोग बच्चे को पढ़ना चाहते हो तो सब आपका वसीला, सब कुछ साथ है आपके, सिफारसी स्फूर्सी की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई सिफारसी नहीं रहा कभी, गांव का लड़का था मोड़दरी, पिछड़ा हुआ गाँव है मेरा, थारा तो गांव अच्छे हैं, इधर उधर पानी नहीं मिलता, बिल्कुल रेतीला इलाका है, रेत उड़ा है, चूरू के नज़दीक कहूँ है डिजर्ट का इलाका है रेतीला, वहाँ का रहने वाला। तो उधर से जा करके मैं गया तो शेनम जहाँ गया उधर मेरे मेरे आदमी रे, मैंने मेरे ख्याल ही नहीं था कोई दूसरा आदमी है, और बड़े अंग्रेज अफसर थे, कहाँ के रहने वाले थे, समुद्र पार के, वो सब के सब जो देखता वो पूरा खुश था मुझे। छोटा था थोड़ा अच्छा था ना, खून खान था अच्छा बच्चा, अब तो मैं 95 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, चलने की चला नहीं जाता, उस वक्त बच्चा था टमाटर की तरह था खूब। तो उनको लायक करता था, वो अपना प्रसन्न करते थे, अपना तरक्की देते गए। मतलब कहने किसी से वसीला की किसकी परवाह करते हो तुम, सब ज़्यादा सब वसीला मनुष्य सब एक ही है, सब मनुष्य में एक ही तत्व है,
अज्ञान से लोग अलग अलग बंटे हुए हैं, जाति में बंट गए, फिर धर्मों में बंट गए, फिर अलग बंट गए, एक ही परमात्मा की औलाद है। जहाँ से मैं बन के आया हूँ वहाँ से तुम बन के आए, वहाँ से सभी हम एक ही लग बन के आए। समझते हो बच्चों, तुमने नंबर देना पूरा, तुम्हारा ईश्वर ये शक्ति है। समझे, अगर ईश्वर ये शक्ति तुम्हारे अंदर है तो तुम तरक्की करना चाहते हो तो बस देखना चरित्र को ख्याल रखना। पहली बात, यहाँ पर आते हो जिसे गुरु जी मिलते हैं, इधर चरण स्पर्श करो, आइडियल स्कूल है, देखा आदर्श, गुरु जी का आशीर्वाद दो, गुरु जी मेरे जो कमजोरी है तो कोई बात को नहीं, मैं आपका बच्चा हूँ। और गुरु जी को डांट लगाते हैं दो चार, अब बोले गुरु जी मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे घर हूँ, ऐसे करते हैं, आदत है मेरी, माफ़ कर दो और नहीं करूँगा। समझते हो तुम लोग, यहाँ आते हो तो गुरुओं को, ये गुरु जो शिक्षा गुरु हैं ये, और पहले गुरु माँ बाप हैं जिन्हें तुमको पाले, पहले गुरु वो हैं। तो सुबह के टाइम पर आने से पहले जो बच्चा माँ बाप को चरण स्पर्श करके आएगा सुबह उठते ही, और वो चरण स्पर्श करेगा, माँ बाप का कहा मानेगा, वो आशीर्वाद देगा, बड़ा आदमी बनेगा। जो माँ बाप का कहा नहीं मानता वो बिल्कुल फिर आगे चल के देख लो जो हालत होती है। तुम नहीं मानोगे तुम्हारा तुम्हारा कोई बच्चा कोई मानेगा नहीं। सास बूझे होती हैं ब्याह शादी, वो बाद में अगर वो तुम लोग अच्छे सुधरी जाते हो तो वो सब सुधरी जाएंगे। भू जो आएंगे वो सास को इज्जत करेंगे, सास से जो भू को प्यार लाड़ करेंगे, ऐसा जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी घर का। समझा ना, तो घर का स्वर्ग बनाने वाले तुम होने वाली औलाद हो, अच्छी तरह से देश की तरक्की करने वाले। तुम्हारे में कोई कलेक्टर होगा, कोई बैरिस्टर होगा, कोई जज होगा, कोई डॉक्टर होगा, सबके सब तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे। तो इस स्कूल का नाम करना आपको, यह स्कूल आइडियल स्कूल है, आदर्श स्कूल है। तो वहाँ चाहता था वैसे स्कूल ये बनी हुई है। तो आप लोग स्कूल का नाम करोगे, बिल्कुल टॉप का नंबर देना है स्कूल के, जितने बच्चे हैं उनको सबको बताओगे टॉप नंबर देना है, ऊंचा नंबर देना है। और जो फालतू संस्कार के लिए गौर क्यों धक्का खा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोग बच्चों को संभालो अपनी तरह से, आपके साथी उनको संभालो, आप बढ़ो। तो आपको भी इतना ही दूंगा, सत्य काफ़ी है, ये मेरी बात काफ़ी है ना। हाँ तो ये मेरे खुशी रख लेना, आपके लिए बहुत है। कोई आपको जरूरत है मेरी पुस्तक पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, किताब की पुस्तक पढ़ो बुक, और टॉप नंबर दो तुम। मेरी किताब ने बाकी आदमियों को पढ़ने की जरूरत है, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें कोई जरूरत ज्ञान नहीं की, गुरु माता फिर ज्ञान देते ठीक है। हाँ जी, किसको शौक है कोई ज़्यादा तो छुट्टियाँ का थोड़ा बहुत देख लिया करो, ज़्यादा मेरी किताब नहीं पढ़ो, किताब कोर्स पढ़ोगे तुम, समझे कि नहीं। मेरी कोर्स जो बाकी आदमियों के ले जाए इनके लिए पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ो सब देखो सब कुछ उनके लिए होगा ठीक है। काफ़ी हो गया ना बच्चों के लिए, काफ़ी है इतना प्रोग्राम। अच्छा मैं सत्संग शुरू कर देता हूँ, अगर बच्चे काम करते हैं तो काम करने जा सकते हैं भी आप। अभी मैं सत्संग शुरू करता हूँ, सत्य किसके सत्य क्या है और उसका संग क्या है। बच्चे को तो अंदर ही है तो वो आपके अंदर भी है, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आदमी पहले ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य के बाद में जो गृहस्थ आता है ना, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक होता है उम्र में बहुत ठीक रहता है, और पहले पहले गिर जाता है अगर ब्याह शादी से पहले तो बहुत कमजोरी आ जाती है, चिंता स्वभाव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मन एकाग्र नहीं रहता, चंचल हो जाता है, बहम उठने लग जाते हैं, यह कमजोरी आती है। तो ब्रह्मचर्य का पहले है तो टाइम गई आपकी ख़त्म होगी, कोई बात नहीं। जैसे अब जो हम हैं गृहस्थ के अंदर, हम गृहस्थ में आए 21 साल ब्रह्मचारी एक समय पर 25 थी 20 लगा रहे ख्याल करें, और फिर उसके बाद 20 के बाद में और 20 साल जो है, और फिर वहाँ की जो आप समझ लें 40 तक आपकी उम्र गृहस्थ की है तकरीबन। तो हम जो करीब तकरीबन इसी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा हैं, इससे अपनी ज़्यादा और होंगे 20 से ऊपर थोड़े चलते हैं नज़दीक आइए हैं, और फिर 40 तक के हैं। उन आदमियों को गृहस्थ में काम करते हैं, काम करते करते गृहस्थ में परेशान हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, कभी कुछ चीज़ की कमी, कोई बच्चे की तकलीफ है, कोई घर की तकलीफ है, कोई तकलीफ है, तो उससे हमें लटपटा जाते हैं। पर तो केयर फ्री रहते हैं, पिताजी के होटल में जीते थे, कोई फिक्र नहीं, फिर मुश्किल हो जाती है। तो परेशानियाँ जो होती हैं, परेशानी उससे तंग आकर के आदमी बानप्रस्थ के लिए आता है। बानप्रस्थ समझते हो ना, ज्ञान देने के लिए। परेशानियों से तंग आ जाता है घर से, जब वो फिर बानप्रस्थ आता है उसके ज्ञान देना चाहिए। तो उसमें ज्ञान ज्ञान क्या मिलेगा कि यहाँ पर तुम लोग जो रहते हो एक देवताओं की तरह रहो, और जो कुछ चाहते हो मिल जाएगा, आपके विचारों में इतनी शक्ति है बहुत ज़्यादा, ईश्वर कहीं है तो आपके अंदर है, मैं शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये भी मैं तो थोड़ा कुर्सी दे दिया, ऊपर बैठ गया हूँ, आप नीचे बैठे हैं,
ईश्वरीय शक्ति आप ईश्वर ईश्वर करते हो और मंदिरा में जाके मूर्तियों सा मत्था रगड़ते हो। मैं नहीं कहता वो अच्छा है, विश्वास है तो आपका काम हो जाएगा। मूर्ति जी आपका विश्वास है तो बालाजी की मूर्ति हो चाहे राम की मूर्ति, एक मूर्ति रखो चाहे देवी की हो जाएगा। आपको ज्ञान नहीं देगा वो, काम हो जाएगा वो। और ज्ञान के बगैर जिंदगी अधूरी है, अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। सिद्धि तो आ गई आप में काम करने की, जो सोचोगे वही हो जाएगी। ये सिद्धि आने से क्या होगा, काम तो हो जाएगा सोचोगा वह, ज्ञान तो नहीं है कि कैसे प्रयोग कैसे काम करूँ कैसे काम करूँ क्या करूँ। तो ज्ञान के लिए आपको ये ज़रूरी है बानप्रस्थ। और बानप्रस्थ से कोई जिंदा आदमी ज्ञान देगा, ईश्वर 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 कहाँ है ईश्वर, तो आपके अंदर बता दिया मैंने। आप ये भी पूछ सकते हो बुद्धवान हो कि आप साबूत करो, ये कह तो रहे हो साबूत करो कहाँ है हमारा ईश्वर, पूछ सकते हो ना आप। क्या बातें तो सभी करते हैं, ये वो है कहाँ मान वो बताओ। तो मैं आपको एक नमूना बताऊँगा कि कहाँ पर है वो, पर बताऊँगा नहीं पर और आगे चलिए बताऊँगा नंबर बताऊँगा। क्यों आप मेरे शिष्य पूछने नहीं आए, घर के गांव के पफड़े हैं घर के, कोई तो बच्चों की तरफ परेशान है, कोई धन की तरफ परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई आपस में ईर्ष्यादु से नाराजगी से परेशान है। परेशानी है आप लोगों को, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है। तो आप मेरे से ज्ञान पूछने आए हो, उस तकलीफ के बारे आए हो, उस तकलीफ में दूर करने का तरीका बता दूँगा आपको, समझेगा नहीं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि गृहस्थ के बारे करके आपको क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है इस 40 साल में। और जहाँ भी ज्ञान नहीं मिलता को ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। अब ज्ञान लाए कहाँ से, ज्ञान तो ज्ञान नहीं देगा, तो जगह जगह आश्रम बड़े हुए हैं वो सब ज्ञान देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्ञान साफ नहीं बता सकते आपको, कुछ छिपा देते हैं चीज़ को। जो असली बात है वो बताऊँगा नहीं, वो कि असली बात ईश्वर आपके अंदर है, आप सकती है, वो ये बात बताएंगे नहीं। कभी आश्रम का गुरु ये नहीं कहेगा तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो वो बोलेगा भाई उसका रूप प्रकट होता है, बराबर है मेरा रूप प्रकट होया है, बोला हाँ जी महाराज ने दिखा है मेरे को रात को, ये दिखा है दिखा, और तू भी बता रहा है सबको, लोगों को प्रोपेगेंडा कराते ताकि पूजा हो उसकी, और इस बात को छुपा दिया। कुछ गुरु में नहीं है शक्ति, अगर वो जानता है तो बताएगा मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है लोगों के अंदर, और मैं कहीं नहीं जाता। भी मैंने नहीं जी रात को आप मेरे आए, मैं ये कर दिया, मेरी माँ भरी थी आप उसको लेने के लिए आए थे, और बोलते नहीं जी मैं बड़ा परेशानी में था, आप प्रकट हुए, और मेरे को मुसीबत थी बहुत ज़्यादा, और मेरे दो चार आदमी मारने के लिए आ रही, और तब तक आप आके मेरे को छुटा दिया। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते, मैं देता मेरा मैं तो आया नहीं, तू ठीक है बस शक्ति तेरे अंदर है, ये ज्ञान देता हूँ। अभी यहाँ पर आके जो कहाँ रूप प्रकट होता है उनका विश्वास टूटता है, जिन रूप बना रखा है उसका विश्वास टूटता है कि बाहर से कुछ नहीं आता, विश्वास तो टूटेगा इसमें कोई शक नहीं। और मैं मानता हूँ इसका नुकसान भी होता है कि विश्वास द्वारा बढ़ना बहुत मुश्किल है, पर मैंने सच्चाई कही आपको, दो सच्चाई हैं, एक तो जो आप मानते हो वो सच्चाई है, जिस देवता को मानते हो वो आपकी मान्यता है, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या मिलेगा, सिद्धि मिलेगी आपको, जो भी चीज़ आप इच्छा करते हो और आप उसको मानते हो एकाग्रचित है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ज्ञान नहीं देगा वो। तो आप ज्ञान के लिए क्या करो कि मेरी ये पुस्तकें हैं ये ले जाओ, और आश्रम में किसी गुरु को मानते हो आप, कोई बात नहीं, जिंदा गुरु मान लो जाओ उसके पास ज्ञान लो, कोई हर्ज नहीं, सिर्फ एक किताब मेरी पढ़ना। अरे भाई समझना वो गुरु जी दे रहा है, वो गुरु जी तो आपको मानते हैं और वो ही दे रहा है हमको ये ज्ञान, मेरा अलग विचार मत रखना। वो गुरु जी जिसको मानते हो ना पूरा, उसको तुम्हारी मान्यता काम करती है, उस गुरुजी में दम को नहीं है, दम तुम्हारी मान्यता में है। तो तुम विश्वास से एक रूप बना दिया तो उसको बढ़ा लो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको बिल्कुल, जब तक दूसरा रूप प्रकट आ गया का गुरु जो नहीं बताया बात तब तक छोड़ना नहीं, पूरा मानो। आपके विश्वास में शक्ति है, आपने करना क्या है, आपने ज्ञान लेना, उसमें क्या लेना है कि बाहर से कुछ नहीं आता है, सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ आप में रिद्धि सिद्धि वगैरह सब आपके विचारों में है। तो विचार क्या करते हैं, हमारे विचार बहुत ताकतवर है, हम कभी तो अच्छा विचार कर लेते हैं राजी होते हैं तो अच्छा अच्छा सोचते हैं, और नाराज़ होते हैं बुरा सोचते हैं। अच्छे विचारों तो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक शिव संकल्प, और घटिया आदमियों को कहते हैं घटिया विचार जिसको नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक। तो घटिया जो विचार होते हैं ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का काम का क्रोध का मोह का लोभ का अति जो है वो सब का सब घटिया विचार है।
तो घटिया विचारों की तरफ ध्यान करोगे तो आओ घटिया फल मिलेगा, उसका उसका रिजल्ट घटिया मिलेगा, मतलब जो सोचोगे वो नहीं होगा। आप समझ जाते हो मेरे लड़के जल्दी शादी हो जाए, शादी क्यों नहीं होती, आपका घटिया विचार है और वो घटिया विचार का फल सामने आ रहा है अभी आपके, तो शादी नहीं हो रही है उसकी, घटिया विचार आ रही है। जो जहाँ जाओगे उधर लड़की की शादी करना चाहते हो नहीं बनेगी, तो आप दुखी हो जाओगे, क्या बताएं बहुत लड़का देखे काम बढ़िया नहीं, वो आपका घटिया विचारों का फल है। और बढ़िया जाते काम को आपका हो गया आज, आप खुश हो गए सब, बोले जी वो काम तो हो गया, लड़के लड़के का भी हो गया, आपके मन के अनुकूल जब काम हो जाए जब तो आप खुश हो, और जब आपके मन के प्रतिकूल हो जो नहीं हो तो आप दुखी हो। अरे दुख सुख ये दुख सुख क्या है, आप जब अनुसार मन के अनुसार जो कोई बात हो ये तब तो आप सुखी होगे, सब हंसोगे खुशी बनाओगे, और जब आपके मन के प्रतिकूल होगा तो आप दुखी हो जाओ, और क्या बात। बात को मेरी समझ, दुख सुख का मामला बल है, दुख सुख में दुखी है दुनिया, राष्ट्रपति भी दुख के नहीं चाहता, समझेगा नहीं, बड़ा आदमी जीते भी कोई नहीं चाहता, डॉक्टर भी नहीं चाहता कोई, पर वो दुखी होते हैं, क्यों होते हैं, उनका जीता घटिया विचार रहा है उसका फल दुख है, मन के अनुकूल नहीं होगी बात, समझेगा नहीं बात। तो क्या करें, छोटी सी बात है, पंजाबी में कहते गल निक्की बहुत है बड़ी बहुत है, गल तो निक्की जी है तो बड़ी बहुत है, तो बड़ी क्या चीज़ है, ये चीज़ कि घटिया जो विचारों का खेल है। तो हमेशा क्या रखो, शिव संकल्प मस्तु, हमारे ऋषि मुनि ने कह रहे मनुष्य तो सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी जिंदगी सुंदर बन जाएगी, शिव संकल्प, हमेशा सुंदर सोचो, जब सोचते हो तो दूसरे का सोचते हो, भला बुरा बुरा मत सोचो, और बुरा नहीं सोचोगे कि मनुष्य ईश्वर है, बेचारेगा कोई घटिया विचार है दुखी हो रहा है, इसके बस की बात नहीं है, समझेगा नहीं। तो आप उसका दूसरा बुरा यह सोचो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों तो क्यों, ये करेगा तो ये भरेगा। कोई आदमी आपकी चुगली करता है, कोई कहता है जी वो फलाना आपकी बड़ी चुगली करता है, बोला जी घना अच्छा आदमी, बोलो कैसे अच्छा है, चुगली भी क्या करता है, वो मेरी कोई भलाई की बात करता है, वो मेरी भलाई करता है, और दिल से सोच रहे वो मेरी चुगली नहीं करता है, वो ठीक करता है, मेरे ऐब होगा कोई, तो समझेगा पॉजिटिव, मतलब किसी से बुरा मत मानो, कोई गाली भी देता आपको तो उसको तो समझोगे, इसके बस की बात नहीं है, मजबूरी है इसकी, परमात्मा इसको अच्छे कर दे, ये नहीं मर जा वो आपका पॉजिटिव होगा, परमात्मा इसको अच्छे कर दे, अच्छी सदमति दे, ठीक है ना। तो आपके सोच में सुंदर सुंदर बात रखो, घटिया बातों को निकाल दो, और जब घटिया निकाल दोगे आप बिल्कुल कुछ नहीं, जहाँ जो सोचोगा वही होगा, पर अभी ऐसे सोचोगा कि आज ही हो जाए तो आज नहीं होगा। आज अगर आपने एक बेल बाई है, एक लौकी का पेड़ लगाया है या कोई बेरी का लगाया है, तो आज ही फल नहीं मिलेगा उसका, टाइम पर मिलेगा। तो जो विचार सोचते हैं, तो हमारे विचार जो हमने पहले सोचे हुए हैं विचार पिछले जन्म में, वो भोगने के लिए आ रहे हैं, तरफ समझ लो, पिछले जन्म में जो सोचा है वो भोगने के लिए भी आ रहे हैं। पहले जो खेती का बात था, किसान वो काटता है, पिछले जन्म का कर्म भोगने के लिए भी आ रहे हैं सबके सब। और अब जो सोचते हैं नए, वो नए कर्म हो जाते हैं, अब जो नए सोचोगे नया कर्म हो जाता है, समझाई नहीं बात। तो आपको सुखी रहना है तो अभी से सोचो, समाज से सावधान हो जाओ, पर ही गई बात आड़ते कोई फिक्री बात नहीं, आज से सावधान रहो कि मन ने कभी घटिया सोचना नहीं है, और कभी किसी को बुरा करना नहीं है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, जो करेगा सो बढ़ेगा, जो करेगा सो बढ़ेगा, समझेगा नहीं। आज से प्रण कर लो कि मैं घटिया विचार नहीं रखूँगा। तो घटिया विचार क्यों आ जाते हैं, हमारे गुस्सा वगैरह आ जाता है, कमजोरी आ जाती है माथे में, ताकत कहाँ है हमारे अंदर, ताकत है ब्रह्मचारी एक शक्ति की। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में 20-25 साल तक अगर ब्रह्मचारी रहता है तो बस शक्ति इकट्ठी हो जाती है, एक दिन खाना खाओगे ना एक दिन एक बूंद खून की बनेगी, अब मेरे में नहीं बनती वो, आप लोगों की किसी उम्र तक बनती है, तो एक बूंद खून की बनेगी, इतने 40 दिन खाना खाओगे तो 40 बूंद खून की बनेगी, और उससे आपके बड़ी काम करेगा, ये करके रहूँ ये करके रहूँ ये करूँ, बच्चा ठाला नहीं बैठता ना, उछलता कूदता नाचता, कोई लिखता है कोई भागता है कोई अफसर बढ़ता है कोई हिसाब उठाता है, वो जिसके अंदर खून होता है वो ताकत होती है। और वो 40 बूंद जो खून की हैं उससे एक बूंद आपके वीर्य की बनती है, जिससे आप बच्चा पैदा होता है, जो आपका जिसको सीमन कहते हैं, जिससे बच्चा पैदा होता है वह होती है। तो वो चीज़ किसका, बच्चा पैदा करने के लिए तो वो ठीक है, हम अपने जैसे संतान पैदा कर रहे थे, अपने जैसा बच्चा, इस काम के लिए जरूरत ना वो,
और स्वाद के लिए ग्रस भोगोगा तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करोगा, शक्ति तो निकल जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो अब बच्चे के लिए सोचो ग्रस से भोगो, ये परमात्मा ऐसी संतान दे मुझे सुख दे, तो सोच की सोचोगे बस संतान आ जाएगी आपकी। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, जब पहले नहीं था तो आज से मेंटेन कर लो, आज से पति पत्नी सलाह करके दोनों एक दोनों दो, एक से नहीं होगा, अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा तो वो कल नहीं देगा उसको, पति पत्नी दोनों सोच लो, अगर पति नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप बता दो जी ये काम नहीं करना है, ये किताब ले जाना मेरी, किताब पढ़ा देना उनको, किताब पढ़ेंगी मेरी, समझेगा नहीं तो किताबें ले जाना, आपको दो दो चार चार किताब मिलेंगे अभी यहाँ पर, भाई किताब ले जाना अपने घर में दे दो, तीन चार पढ़ेंगे वो घर वाले, और वो पढ़ करके वो फिर जो अच्छी लगें तो ये मनोज कुमार जी सिंगल बैठे हुए इधर, ये इधर रहते हैं पीतमपुरा में, पिलाने गांव का है, पिलाने गांव में इनकी लाइब्रेरी है, तो आप इनको बता देना यहाँ पर जी आज जो सत्संग करा रहे हैं कौन साहब हैं ये करा रहे, इनको बता देना ये आप मंगा देंगे आपको किताब, वो किताब लेना जिसको पूरी टाइम है तो पूरी 17 पुस्तक मंगा लेना, 17 पुस्तकों की कोई कीमत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ उसके 350 रुपये हैं और एक कैलेंडर आएगा उसमें, एक कैलेंडर 17 पुस्तक आ जाएंगे, आप पढ़ो, बेटा पढ़े, बहू पढ़े, बेटियां पढ़े, सब पढ़े, और आपके जो नियर और डियर जो है ना प्यारे उनको वो उनको पढ़ाओ, और कोई आपका पड़ोसी अच्छा है तो उसको भी देखो पढ़ देगा, तो और हर किसी गुरु की पढ़ाई बोलो पढ़ा करो, गुरु को मानो उसी को मानो चाहे गुरु को, मतलब ज्ञान रखो, ये ज्ञान ये ले जाओ और अपने गुरु को पूरा मानता जाओ, तुमको गुरु से सब कुछ मिल जाएगा, छोड़ने की नहीं करता मैं गुरु को, छोड़ देना ना, जो ज्ञान देने वाला वो कोई ज्ञान दिया उसने वो कोई गुरुआई नहीं करता, समझा कि नहीं, तो मैं किसी को तो चेला बनाने के लिए आया हूँ बेटी और भाई हो, और नहीं कुछ अपना कोई आश्रम है मेरा कोई, मैं गृहस्थी हूँ, मेरा घर है अच्छा, बच्चे हैं बाल बच्चे हैं सब कुछ, सेना का अधिकारी हूँ, और मुझे ज्ञान एक गुरु पंडित फकीर चंद जी था उसके फिर पास से प्राप्त हो गया, और इसलिए वो ज्ञान में भी देखता फिर रहा हूँ, और वही ज्ञान के लिए मेरे को गुरु देखता फिर रहा हूँ। अब बैठे हैं सब बेटियाँ बैठी हैं, अगर कोई चाहती है गुरु बनना चाहता है चाहती है पढ़ी लिखी है तो मेरी किताब पढ़ो 17, और पढ़ने के बाद फिर मेरे को बताओ, बता दे इसको बनो को बताना कि मैं ये काम करना चाहती हूँ आपका, फुर्सत वो काम करा, गुरु की जरूरत है मुझे, एक आदमी ज्ञान नहीं दे सकता, समझेगी ना मेरी बात। तो अब आप जो मैंने बताया कि आप क्या करो, ये मेरी पुस्तक ले पढ़ो और वो ठीक हो जाएगा, जहाँ दूंगा ये पुस्तक, ये इसी काम के लिए आया हूँ, और ये पुस्तक अच्छी लगे आपको, पहले तो मेरी बात अच्छी लगे तो पढ़ना, और मेरी बात में कोई दम नहीं जाता हूँ तो मैं गृहस्थ की बात बता रहा हूँ पहले, पर राम रमी वाली तो बात आप केंद्रीय हो तो बात की बात है, वो तो आपके साथ ही रहता है, आपको कौन है साथ रहने वाला, पूछ सकते हो ना कि तू कहता है साथ साथ बता कौन है साथ, वो बोल रहा कौन है मेरे अंदर, आप बोलता वो कौन है बताओगे आप, अगर मैं राष्ट्रपति को पूछूंगा तो वो भी ऐसे बोलेगा बोलने वाला, और कलेक्टर साहब को पूछूंगा तो वो बोलेगा बोलने वाला, सब कोरे हैं उस ज्ञान से, सब कोरे हैं, बोलने वाला क्या है कहाँ से आया है, और देखो साथ रहता है सारे दिन, काम वही करवाता है, तो आपके अंदर बोल रहा वही है उसको जानना है, लेकिन अभी आप जानने के लिए नहीं आए, अभी तो घरों से दुखी हो परेशानी हो, तो परेशानी की बात कर रहा हूँ मैं, घर के अंदर वाली घराड़ी से बात कर रहा हूँ, गृहस्थी है ना आप, तो कोई ब्रह्मचारी ये बात नहीं करेगा, वो तो ऊपर की बड़ी बातें करेगा, मैं वो बात नहीं करता क्यों, मैं जानता हूँ आपका, आपके आपका ही तो आदमी हूँ मैं, आपके परिवार का आदमी हूँ मैं, मेरे बाल बच्चे हैं सब कुछ हैं, खूब बच्चे हैं, और मेरे मेरे भाई के कफ सब काम कर रहे हैं अपना, और परिवारों से निकल के आया हूँ, सेना का ऑफिसर हूँ, मुझे ज्ञान होगा तो मैं मेरी बेटियों भाइयों को बहुत सच्चाई बताना चाहता हूँ, सच्चाई है कि आप में ईश्वर है, ईश्वरीय अंश आप हैं, बड़ी शक्ति है, विचारों में बड़ी शक्ति है, तो विचार का आपको ज्ञान नहीं है, इससे आज से क्या काम करो, ब्रह्मचर्य का पालन आज से समझ लो, पति पत्नी आज से व्रत करोगे ब्रह्मचर्य का पालन, क्या मतलब, इसके लिए आपने जिंदगी थोड़ी खोनी है, एक दो में एक मिनट डेढ़ मिनट के स्वाद के लिए 2 मिनट सुन से आती है और फिर बस है वैसे, तो इसी जीव को मराओ, खराब मत करो, तंदुरुस्त रहो बिल्कुल से एकदम से, और पूरी उम्र चमकोगा शेर की तरह रहोगा, तो पति को सिखा दो आप ये क्यों काम का बर्बाद करे हो, और काम कर सियाँ और स्वाद वाला कोई बड़ा ही बड़ा काम कर सियाँ घर के अंदर, जिसके अंदर आनंद 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 आए खुशी मिले, और आपने ये काम आप जो हो गया बच्चा पैदा करना तो फिर दोबारा कर लो, बच्चा पैदा जब तक करना है आप कर लो 1-2-4 और उन दिनों के अंदर फिर कोई साधन सुधन या और कोई करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने पढ़ने वो काम
बच्चा पैदा करो और अच्छी रहो, समझिए मेरी बात। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, आज से ही रख दो ब्रह्मचर्य जरूर। और झूठ झाठ बोलने से, झूठा बोलने से, हेराफेरी करने से वो गंदे विचार बन जाएंगे आपके, तो वो नहीं करने के बाद झूठ को बात ही खत्म, किसी का बुराई की बात ही निकाल दो। मन के अंदर ये कूटा है, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, ये इससे घटिया विचार बनेंगे आपके। तो सुंदर के लिए शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी, समझिए बात। क्योंकि बात थोड़ी बड़ी है, समझ में आती नहीं आपने, तो इसको देखने के लिए मेरा सत्संग सुनना, और फिर बाद में आप इसके सत्संग करा लो मेरे बाद में। मैं रोज़ की रोज़ को नहीं मिलूंगा इधर, ये मनोज कुमार सिंगल बैठा है, इसको बुला लेना स्कूल के अंदर कभी, और उसे सत्संग सुनते रहना, घरों में बुला लेना, 15-20 आदमी 20-30 इकट्ठा कर देना, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं कराएगा ये। एक एक दो दो पुस्तक तो जरूर दिवाएगा, दो दो तीन तीन पुस्तक तो आपसे जरूर दिवाएगा दूसरों को, तो मामूली है। कोई 10 रुपये की, कोई 15 रुपये की पुस्तक है, और कोई 20 की है, 10-15 रुपये, ठीक है ना। तो आप इसे सत्संग करा लेना, इसे सत्संग कराने से आपको ज्ञान होता जाएगा, आस्ते आस्ते थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहेगा, ठीक है ना। तो गृहस्थ के लिए आपको काम करने के लिए इसको बुला लेना, अगर आपको अच्छा लगे मेरा सत्संग तो फिर इसको भी करा के देख लेना, अच्छा लगे तो फिर बुला लेना भैया सत्संग ये करा देना। नहीं तो हम लोग को पैसा लेना है, न कोई दान दक्षिणा लेनी है, न कोई कमाने वाले हैं। ये आदमी काम करता है, अपना खूब कमाता है, धनी आदमी है और गवाही खाता है, आपसे कोई दक्षिणा ले, आप कुछ दोगे इसको दान पुण्य में, वो आपका धर्म बढ़ा देगा, उसके लिए आपकी ये पुस्तक छपा करके और लोगों को दे देगा, सबको लोग जो पढ़ेंगे सबके घरों में शांति आएगी, वो उसका शेयर आपको इतना मिल जाएगा, उसका हिस्सा मिल जाएगा इतना, और आपका वो पुण्य होता जाएगा। अभी जो कोई पैसे देना चाहता है, मैं तो कोई पैसे लेने के लिए नहीं आया, नहीं मेरी कोई इच्छा है, मेरे तो वजन है बढ़ के, तो भी आप दोगे तो फिर इसे क्या करूँगा, अभी छपा दे रहे पुस्तक छपा दे रहे दे दूँगा। हाँ आने जाने का तो मैं किराया मैं देता हूँ, मैं ऐसे दूंगा तो मैं सकूँगा नहीं, आने जाने को बुलाता तो मेरे को किराया किराया वो देगा, और रोटी भी उठ के घर खाऊँगा मैं, और बाकी मैं लेने के लिए नहीं आता हूँ, ये ज्ञान देने के लिए आता हूँ, ठीक है ना। तो आज क्या है, सुंदर विचार रखना एक बार आज से, और चरित्र का प्रमाण आज लंबी कहानियाँ खोलूँगा, मैं कहानी को नहीं बताऊँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, कि जो झूठ आज से बन कर दो, लड़ाई झगड़ा घरूम जो है ना, ऐसे देखो देखो नाराज जी, सास की बहू की, बाप बेटे की, पति पत्नी की, उसको आज से दफा कर दो, कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। पति जब कुछ उल्टा बोलता है तो कोई बात नहीं, अरे जो सास अगर गलत बोलती है तो फिर हाथ में माता जी मेरे में इतना ज्ञान कहाँ से आएगा, आप बड़े हो, आप पंचती अक्ल मेरे में कहाँ है, ये तू बड़ी पढ़ी ना, मैं पढ़ी तो हूँ थाली थाली तरह ज्ञान खड़ा है, उसकी बड़ाई कर दिया करो रोज़ाना, बूढ़ी राजी हो जाएगी। और सोचना फिर क्या करो, बूढ़ी ज़्यादा है तो लाओ उसका कपड़ा धो दो, उसका ये कर दो वो कर दो, खूब अच्छी तरह खुश होगी और आशीर्वाद देती रहेगी, हमारा बहू बहुत अच्छी है भाई, वो आशीर्वाद मिलेगा और उससे आप पढ़ते फूलते जाओगे। और वो बैठ के कुडागी ना जो तो तंग करोगी ना तो वो बुरा सोचेगी, तुम्हारा मुस्कान तकलीफ ही आती जाएगी, बुरा सोचती रहेगी, बैठी फिर सोच नहीं सकते हैं नहीं, तो बुरा सोचेगी, चुपचाप बोले को नहीं बाबा बैठी रहेगी चुपचाप। तो घरों के अंदर शांति कर लो पहले, समझे ना, ओम शांति शांति, घरों के अंदर प्रेम करो, एक दूसरे ने देख के जियो, खुश हो, पति आता देख खुश हो तो तोरी चुरा लेते हो या मुँह उड़ा लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, वो कमा के आया, धक्का खा के आया बेचारा, लोगों से मिला है, चार पैसे कमावा है, आसानी से मिलेगा नहीं, हर तरह के आदमी से मिलेगा, वो आ जाता है कुछ कड़ी बात करता तो बोला जी कोई बात नहीं, फिर आप इसे पानी पी लो, फिर कह देना कुछ ये तेरा भैया कोई काम करे गुस्सा गुस्सा करे, बोले जी कोई बात नहीं आप सब पानी पी लो, पहले जीम लो फिर कह देना तसली से, ठीक है ना। यानी मतलब तुमको ज्ञान हो जाएगा, तुम ये बात ऐसे करोगी घर में, तो घर ज्ञान का मतलब घर के अंदर शांति सुख होगा, समझ आ गई मगर तो बोलना। बच्चे आते हैं सुबह चरण स्पर्श करते हैं, आपको जो उन्होंने बताया आप राजी हो गए बिल्कुल ठीक, तो आप भी चरण स्पर्श करा करो, किसको, अपनी सास को, अपने ससुरे को, अपने बड़े जो छाणी जी छोड़ी देर बड़ी हो उनको कह दो उठिए चरण स्पर्श कर दो, और करो को नहीं राम राम मुँह सुझाए फिर वो करो मुँह, तो बुरा सोचोगे नहीं, बुरा सोचो नुकसान हुआ। तो इसको इसके बाद क्या भाई, घर में ये तुम्हारी अच्छा विचार होगा, घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जो है, जिस घर में खुशी है उसको बाहर भी खुशी खुशी होगी, और जिसके घर में खुशी नहीं है कहीं खुशी नहीं मिलेगी, समझ आती है ना आपको। तो सब रिद्धि सिद्धि के भंडार हैं आप लोग,
कोई कमी नहीं है, अज्ञान की कमी है, ज्ञान आपको मिलेगा और ज्ञान ला करके वो कविता ये इधर रखा मंगाया इन है, ये जो सत्य करा रहे नहीं है सुनील कुमार जी इन कराया, इनको पर ही बताया भाई या सर थे तू 15-20 हज़ार रुपया खर्च कर दबाऊँ तो आपकी अगर शौक है करने की तो आप बताओ और सत्संग कराओ बेटी खूब अच्छी तरह से, घर के अंदर गंगा बह रही है और आपको इधर कोई पैसा नहीं लगा, ये मौन ये रहे इधर या इधर बुला लो और किसी अच्छी जगह बैठ जाओ और बैठ के कोई संडे का दिन होता फुर्स का दिन करा दो, ठीक है ना। और ये फुर्स के दिन करेगा, हर दिन नहीं करेगा, अपना बच्चे पालने हैं ना अपना काम करेंगे तो कम से कम महीने में दो हफ्ते में कभी शौक राखो कराने के लिए तो आपका काम हो जाएगा सब, ठीक है, कोई कमी रहेगी। और बुक दे जाएंगे अभी वो बुक वो रखो घर में, हर एक घर के अंदर एक सेट ले जाना, बाद में चौखे लगे अच्छी लगे लोग, अगर ये पुस्तक अच्छी लगे तो एक पूरी सेट ले जाना। और फिर आपने कोई नियर डियर होते हैं ना कोई 12 भाई भांजा भतीजा उनको दे देना, बाद में दे देना, ठीक है। तो आज का सत्संग जो मैं करा रहा हूँ उसके साथ ही आपको किताबें दूंगा, किताबों के अलावा अगर कोई जो जानते हैं आजकल यूट्यूब चलती है बच्चों के पास में, ऐसे यूट्यूब स्पीकर वगैरह जाते हैं ना तो यूट्यूब पर सब कुछ आ जाता है, इंटरनेट आता है तो उसके अंदर अगर सुनना हो मेरा सत्संग जो मैं सत्संग भी दे रहा हूँ ये सत्संग अभी मैं इंटरनेट पर लगा देता हूँ और वो इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको, तो आपके पास वो है इंटरनेट कैप्टन लालचंद, कैप्टन लालचंद इतना बोल दो वो मेरा सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। करीब 150 सत्संग निकलते हैं यहाँ से अलग तारीख, एक एक सत्संग रोज सुन लिया करो जिसके पास यूट्यूब है वो। हेलो बजाय आपको किताबों में माथा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में किताबों में चीज़ है असली पर वो परी वो यूट्यूब सुन लिया करो, ठीक है ना। तो परी बात पुस्तकों में देख ज्ञान में बता रहे हैं वो होगा और जो उसके बाद हम जो बता रहे कि छोड़ दे वो किताबों दे किताबों में पढ़ो घर में बैठे बैठे पढ़ रहे होगा, घर में बैठे बैठे ज्ञान हो जाएगा सब बैठे बैठे। अब जो हम बात बताइए सब की सब लिखी हुई हैं बातें, मैं बता रहे हैं कि सास को सुबह चलन स्पर्श करो ये करो ये करो सब कुछ लिखा हुआ है, उन किताबों में कोई चीज़ बाकी नहीं है ज्ञान की, जो सब शास्त्रों का ज्ञान वही है, सब मनुष्यों के लिए वो ज्ञान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैनी हो चाहे वो हो चाहे आर्य समाजी हो चाहे कुछ हो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो सब के लिए बराबर वही है, बड़ा छोटा कोई नहीं आदमी सब के अंदर वही परमात्मा है। संतो एक आप जग माही, सब के अंदर वो परमात्मा है, संतो एक आप जग माही दूजा कर्म भ्रम कृतम जू दर्पण की चाहिए, संतो एक आप जग माही सब वो एक है और वो कूड़े बोले वो है। तो ये आपको ज्ञान से मिलेगा मेरा वचन सुनने से, मेरा नहीं किसी महात्मा के देख क्यों कि अभी कोई आदमी बोलते रह रहे हैं काम का नाम क्यों नहीं मैं कोई बोल तो नहीं रहे नहीं कि शास्त्र में लिखा साफ ये बात नहीं कि शास्त्र दिखा कि तुम्हारे परमात्मा है मनुष्य के अंदर सब में लिखा तो लिख तो दिया रामायण के अंदर जैसे वेद में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ईश्वरन से जीव अविनाशी कहे ईश्वरन से जीव है अविनाशी है चेतन विमल सहज सुखराशी है चेतन है विमल है सहज है और सुख की आनंद की स्थान है चेतन विमल सहज सुखराशी सो माया बस बंदे गुस्साई आप ही बंदे वर्कते हैं तो माया में बन गए हो है नहीं वो वास्ती है उसको सच मानता है नहीं उसको सच मानता है आप समझे है कम सदा नहीं रहने वाली और सच मानता उसको सदा रहने वाली क्या चीज़ सदा एक ही चीज़ है सबके सब हम बैठे हैं सबका कोई नाश हो जाएगा हमारा शरीर चला जाएगा हमारा चेहरा चला जाएगा जला देंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन आप बोले इस चीज़ का नाश को नहीं होगा आपका कोई नाश नहीं क्योंकि ईश्वर का नाश नहीं होता जी ईश्वर से आप वो ईश्वर जो सूर्य से परे है उसका अंश है मनुष्य अब देख लो तो इधर मनुष्य वो काम करता है जो ईश्वर करता है वो ये आपका शहर किसने बसाया है ये दिल्ली ये मकान किसने बनाया आदमी ने बनाया होगा ना या भगवान आया बनाने के लिए परमात्मा किसी ने देखा इधर बारे लेकिन देखा तो बता दे मेरे को मिला था कहते परसों बात कर रहा था हर वक्त तो परमात्मा तो आपके अंदर ही है अरे देखो कैसे देखो कैसे मकान ये देखो स्कूल को कैसे सजा रखी मनुष्य ने सजाया तो ईश्वर इस मनुष्य के अंदर है समझे कि नहीं अब दिल्ली पूरी बोल रही है वो सब किसी मनुष्य ने बनाई है कलकत्ता बम्बई जो सुंदर सुंदर मकान बनाए मनुष्य ने बनाए सब के सब तो मनुष्य के अंदर ईश्वर है मैं सब साबूत देता हूँ आपको प्रूफ करता हूँ कि वो है कैसे मनुष्य में और मनुष्य को इस बात का पता नहीं तो कौन सा मनुष्य आप सभी ईश्वर के अंश हैं इसलिए शक्ति आपके विचारों में है मेरी तरफ देखता रहो मेरे चेहरे को देखता रहो बात सुननी है तो
अरियाई पढ़ाई तो पढ़ते बच्चे तो गुरु के चेहरे को देखते रहेंगे, पूरा दम दे देंगे, और इधर देखें कुछ नहीं है। तो गुरु जी का काम भी है, स्कूल है नहीं, तो स्कूल के गुरु जो गुरु जी हैं आप लोग, आप नेशन को बढ़ाने वाले हैं, आपको पढ़ा पढ़ा के बड़े कलेक्टर एस पी वगैरह आप बढ़ाएंगे, और आपके स्कूल से बढ़ के निकलेंगे सब, तो छोटी चीज़ नहीं, आप बहुत बड़े हैं। तो पहले अपने आप को सुधार के आओ, अपने आप को सब समझो, सब पढ़ा रहे जैसे बच्चे आपके हैं, सब कोई पक्षपात नहीं, और उनको आपने बताना प्यार करना, योग्य आदि बढ़ाना है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काट है खोट, अंदर हाथ सारा देर बाहर लगा हुआ चोट। तो गुरु तो कुमार है, शिष्य कुंभ घड़ा है, कच्चा घड़ा बड़ा लो कुमार है, तो वो बाहर तो दगा हुआ टोट लगाएगा, अपने अंदर सारा देगा से। इसी तरह गुरु क्या करता है, डांट लगाता है, सब कुछ करता है, और अंदर से अच्छा चाहता है। तो आप गुरु हैं, मास्टरों करे हो, मैं अध्यापकों को, आप इस तरह पढ़ाइए, आपकी कमाई बरकत होगी। जितने बच्चे आते हैं सब अपना करिए पढ़ाइए आप, समझिए ना बात, कि मास्टर थोड़ी स्कूल है नहीं है, तो मास्टर तो बैठे हैं, जरूरी भी है मास्टर, तो मास्टर अपना बच्चा करिए पढ़ाएगा, तो उसके नौ दिन सीधी होगी, और बच्चों के साथ प्यार रखेगा अपना। कम से कम एक दिन ट्रॉफी लाओ, तरखा दे मैंने कह लेते हो, एक ट्रॉफी लाओ, अपने अपनी क्लास को एक ट्रॉफी दो मास्टर, देते बच्चों को प्यार से, क्यों आपके बच्चे हैं वो, अगर ऐसा आप करोगे तो आप बिल्कुल लाइक मास्टर हो। मास्टर जी काम ऐसा मास्टर जी मिलेगा नहीं, वो आईएएस बन जाएगा और फिर भी आपके पास आएगा, चरण स्पर्श करेगा, मास्टर जी आपने ज्ञान दिया। तो आप छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं, और आप नेशनल को बढ़ाने वाले हैं, ये कलेक्टर एस पी वगैरह जज वगैरह आपने बढ़ाने वाले हैं, छोटे नहीं हैं, और छोटे समझो होता आप आपको, और वो काम आप लोग करते जाओ मास्टर, तो आप ऐसे बढ़ देते हो। आप लोग घर में रहते हो बेटा, घर को सुर्ख बना लो, और जो बेटियाँ पढ़ाती हैं वो दोनों काम कर रही, तो आपको छोटा नहीं, आप में सब बड़े बड़े आदमी हैं, समझिए ना बात। तो मैं ज़्यादा बात आप मुक्ति मांगती वाली को नहीं करूँगा, क्यों करे स्वाद देते हैं, पहले मुक्ति को देंगे, मुक्ति तो तंग आ जाएंगे बूढ़े होके, रुपया कमा लिया अरब अरबपति बने और फिर दुखी हो, या बहुत बड़े कलेक्टर बन गए और फिर दुखी हो, तब वो कोई मेरे जैसे आदमी से पूछ लेगा ऐसे को, कहेगा जी मैं बहुत दुखी हूँ, तो दुखी तो इधर रहेगा, तो दुखी तो ऐसे रहेगा, ज्ञान दे दे फिर, बोले वो ज्ञान क्या हो, तो मेरे सत्संग खुला कर, तो फिर वो आगे ज्ञान बताएगा कि ये सदा के लिए तू इधर नहीं रहेगा, कभी लक्ष्मी बनेगा, कभी कंगाल बनेगा, कभी गरीब बनेगा, और तू सदा के लिए वहाँ चला जाए वापस, तो वहाँ से नहीं आएगा फिर वापस, फिर चला जाना मरते वक्त उधर पूछ जाए ना तो सीधा, तो चला जाए, तो उसका तरीका बताएगा वो अंदर का, और वो बताएगा ऐसे ऐसे, समझा की बात। पर पहले दुनिया नहीं बढ़ेगी तो आगे करेंगे क्या, पहले आप दुनिया बढ़ाओ अच्छी, और आपके विचारों से बन जाए, जब दुनिया बन जाए खूब धाप जाओ ना, जिद की बात है वो, घर तो वापस जिद जाना थक जाए खिलाड़ी, अब तो खेल मारे आप, अच्छा खेल खेलो, अच्छी जिंदगी बनाओ, अब कहें डॉक्टर बने तो अगली बार और कुछ बढ़ो, फिर और कुछ बढ़ो, कुछ और बढ़ो, अब कहें दरबार, अब कहें तो मामूली दुकानदार हो तो अगली बार सोचो मरबापति बनूँ, अब विचार रखोगा तो आपका विचार बढ़ा देगा आपको। वैसे टाइम बताती है इसके, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निधाम। कहते वो मुक्ति लेने के लिए चार अवस्था होती हैं, चार साल। एक जन्म तो गुरु की भक्ति करे, किसी ज्ञानी आदमी की भक्ति करे, सेवा करे उसकी, कया मान सेवा करे हर तरह से, और एक जन्म गुरु भक्ति करे, जन्म दूसरे नाम, दूसरे वो नाम ले के बताते हैं परमात्मा, परमात्मा उसका नाम क्या है वो ले, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, तीसरे जन्म के अंदर मुक्ति पद प्राप्त कर ले, और चौथे में निधाम। चार में नाका लग जाता है, और मैं तो कहता हूँ एक में का नाका लग जाता है, क्यों मैंने पता नहीं मेरा चार काटे हैं कि नहीं काटे, मेरा तो इसी में नाका लग गया, क्या नाका लग गया, मैं उस्ताद रहता हूँ, बाप से बात कर रहा हूँ और उस राम नाम से टच हूँ, नहीं मेरे में कोई ईगो है, मैं साफ आदमी साफ बात कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मेरा इसी में नाका लग गया, क्या कि सब काम पूरे सदगे, न कोई पैसे की कमी रही, न कोई इज्जत की कमी रही, इज्जत पीछे पीछे भागती फिर रही है, पैसे वाले पीछे उछालते फिर रहे हैं, किता दे दी आपको, किता कर दी, किता कर दी, मैं गया था आप गए बैठे कोई साहब ने कहा कराया सत्य आपने, मेरे कठोर पैसे लिया, पैसे लिया फिर जा ही देता, कोई किधर से आता, अब एक जर्मन आया था, वो जर्मनी से आ गया, जर्मनी से यहाँ से ज्ञान लेने के लिए आ गया, कोई सुनी थी कोई बात देखा कोई, मैं इंग्लैंड वगैरह में गया हूँ, कोई सत्संग दिया हुआ है मैंने कोई इंग्लिश में, तो और तो जानता नहीं, इंग्लिश जानता था, तो वो आ गया, इससे अप्रोच की, इसके पास पूछा, इधर आके बातचीत थी, मैंने बोले था आपके लिए क्या लाऊं, मैं इंग्लिश से पूछा, वो नथिंग यू कैम ओनली सर यू कैम दर्स इनफ, तो खुद ही आ जाना, कुछ नहीं आना, बोला कुछ तो बोलो, वो कुछ चिलाना नहीं, तो आप आ जाना, तो आपको देख के खुश हो जाऊँगा मैं, क्यों मेरे कोई इच्छा चीज़ की चाहिए नहीं,
को भी लेके आऊँ। अब वो आया तो क्या करे, और तो पता नहीं कपड़े लेते लाया बंदे हाथ नहीं दिया, पर वो दिया कि कोई 84,000 रुपया की क्या था नोट, 85,000 का नोट थे, बोला कि मेरे को दिया के रख दिया। मैं नोट में देखा वहाँ ये तो लिया पैसे, ठीक कोई बात है। मैं उसी वक्त क्या काम करा, वो बैठा बात कर रहा था हम, बोला मनोज कुमार जी इधर आओ, ये आया, ये पैसे गिन लो, ले जा इन पैसे को रख, उनकी रख लेना, ये जो खर्च करता है ना भी, ये जो आता है लैंग्वेज वगैरह चेंज कराना चाहता है, भाषा किताब चाहता है और कुछ चाहता है, इसके ज्ञान को फैलाने का काम कर देना इन पैसे से। इस पैसे को चुखाना नहीं आपने, इन पैसे से किताबें फैला देना, किताबें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएंगी ताकि ठीक हो जाए। इस पर खर्चा जो होता है आने जाने का, समझो कुछ करता वो आप खुद करेगा, लेकिन जो खुशी से आता जो क्यों हम बुलाते नहीं उसको, आएगा खुद करेगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि उसके लिए जो ज्ञान फैलाता वो ज्ञान इससे फैला देगा। ये थारा सामने बैठा है तो वो देख के आया मेरे पास, फिर दोबारा वो परिस आया थोड़े दिन बाद में, कोई महीने के बाद फिर आएंगे, डेढ़ महीने के बाद बोले मैं फिर एक प्रदर्शन करूँगा आपका। अरे के मिल गया तेरा, बोले आपकी रेडिएशन आती है मेरे मन में, शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है, रेडिएशन आती है, रेडिएशन जानते हैं बोलो, रेडिएशन माने भाव निकलते रहते हैं, मेरे में विचार निकलते हैं, थर्म निकलते हैं, एक दूसरे विचार मिलते हैं। तो बोले आपका विचार आते हैं मैं चुपचाप देखता रहता हूँ आपको, रेडिएशन आती है आप में, मगर रेडिएशन मेरी इधर कहीं एक को नहीं कहीं अभी मेरी तरफ तो तू क्यों आता है। देखो खास आदमी था तो यहाँ पर भी आ रहा, अभी आज चला गया। कहने का मतलब यह है कि पैसे की बुद्धि का काम नहीं करता वो, पैसे पीछे उछलते रहते हैं। तो बेटी और भाइयों बताने की बातें बढ़ाई कर रहा हूँ, पैसे आप उसको किताब दे दें, किताब खोई दें, मैं क्या करूँ, कहीं के बेच दें आपको 1,00,000-2,00,000 रुपया, क्या करूँगा भैया, ये मैं धर्म कर देना, मैं भाई तू ही कर दे, मेरे चले खुद बूढ़ा आदमी हो गया मैं भी, तू खुद ही कर देना, मेरे को मिल जाएगा खुद ही कर देना। क्यों कहता हूँ मैं कोई पैसे की दिक्कत नहीं, कोई मुझे चाहिए नहीं, कहाँ मैं पैसे खर्च करूँगा, मुझे मेरी पेंशन कोई खाई जा, मैं 2 रोटी खाता हूँ सुबह शाम, 1 रोटी सुबह दूध में पीस की मिसी से और घोड़ की पी लेता हूँ और 1 शाम को पी लेता हूँ, और मेरे को रुपये मिलते 60,000 रुपये मिलते, मैंने कहा तनख्वाह का, बच्चे सब कमाते हैं, तो बताऊँ क्या पैसे मैं करूँगा और क्या लेना हमने, और फिर मैं जानता हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है जो लेना देना पड़ेगा, समझिए ना बात में। कितना हो गया टाइम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का सत्संग देता हूँ, करीब 45 मिनट का देता हूँ, क्यों सार मोटी मोटी बात बताता हूँ, बारीक बात बताऊँगा नहीं मैं, एक बात की बाढ़ का खा ले के स्वाद ले लेके ऐसे नहीं करता मैं, टाइम के लिए नहीं करता हूँ, बड़ी कीमती टाइम है आपके, कोई कितना काम छोड़ गया, कोई कितना काम छोड़ गया है, आजकल फुर्स किसको है, तो मेरा ये ख्याल रहता है कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, जो बात बतानी बता दी, और फिर बंडलबान की किताबों का दे दूँगा इधर, वो पूरा जो कुछ मैंने अनुभव किया वो सब का सर ले जाओगे, अगाऊ दे देता हूँ, महात्मा अगाऊ नहीं देते, पहले एक बात अभी बताई, एक बात थोड़ी देर और कराएंगे, एक दिन थोड़ी देर और कराएंगे, ऐसे सोचते थे मास्टर को हिंदू को, बोलो बात तो खराबी है क्योंकि सारा पढ़िया कौन सा फिर जब को नहीं हो उनको पड़ी रहती है ऐसी वो, ठीक है ना। तो आप जो पैसे को इतनी दूंगा नहीं, इतनी दूंगा मैं, करीब कितने आदमी देख रहा तू अंदाजा लगा लेना, पर 3-3 दे देना तू, तो फिर जो बाकी बन सब दे दूंगा मैं, पूरी सेट देगा उसको पूरी भी दे दूंगा, आज तो फ्री काम चले, क्यों मार साहूकार काम है, तो मेरे तो आंगड़ा है माल तो इनका है, ये लुटा नहीं ये दे सकते हो। किसी ने पूछा बाबा जी क्या करते, बोले भाई सुबह सुबह साधु को अगर थोड़ा घीर खांड मिला करके दिया जाए तो साधु की आत्मा तंदुरुस्त रहती है, ठीक रहती है, राजी रहती है। तो बोले बाबा जी घर का क्या, बोले घर का अपना आंगड़ा है भाई, आंगड़ा तो राजा, तो भाई मेरा तो घर का आंगड़ा है, बाकी देर वाला से लोग बैठे हैं, ठीक है ना। और फिर चाहो जितनी पूछ लेना आप, इनको इनको पूछ लेना, सत्संग कराऊँ वो ये मंगा लेंगे, इसके पास है मनोज के पास, मनोज पास लाइब्रेरी है, इससे इससे बड़ा मकान बहुत इससे अच्छा मकान बना रखा है इसने लाइब्रेरी, 10-15 लाख रुपया लगा के, और भी मकान का नंबर रखी पुराने गांव है इसका, कोई पुराने का आया याद, अच्छा कप्तान सिंह जी आए हैं, बहुत अच्छा। तो आप समझिए बहुत अच्छा आज का सत्संग बहुत अच्छा, बड़े अच्छे आदमी मिले मेरे को, और मैं तो आपके दर्शन करके निहाल हो गया। संतपति जाओ बैठ जाओ, उसके ऊपर चेहरा रखते रहो और उसकी बात सुनते रहो, अच्छी बात रखी बात तो पॉकेट में रख लेना, और घटिया रखी उसे याद मत करना, संतमत यही है। और कोई प्रश्न भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, संतमत में आओगे तो आपके जो कुछ प्रश्न लेके आओ सबका उत्तर होगा, आज उसके बाद सबका उत्तर होगा।
तो उन्होंने बताया कि आपके घटिया काम होते वो आपके विचारों का फल है, हाय हाय मत करो ना। कौन से विचार? जो बुरा सोचते हो, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार होते हैं उनसे। और अच्छा है आपके अच्छे विचारों का फल है, समझे कि नहीं? दुख क्या है? आपके मन के अनुकूल अनुकूल हो जाए तो आप राजी हो, और मन के प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो जाओगे। अरे ये दुख सुख तो मन के अनुकूल होने की बात करो आप। अभी अभी से जो बीज बाओ, गेर का तो काटोगा, अभी गेर का तो काट रहे हो, आगे के जो बीज बाओ आज से ही सोचना शुरू कर दो। ठीक हो गया बात? तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दी। अभी मैं जो आऊँगा पर आपको पुस्तकें ले जाओ, प्रसाद पूरी दे आया ओके? हाँ तो उसके बाद प्रसाद पूरी दूंगा। पहली इससे मेरे को आप ये पूछोगा कि कोई भी आपको कोई शंका है तो समाधान कर दो। किसी भाई को बहन को किसी को जितनी बातें मैं बोली हैं उन मगर शंका मेरे को पूछ लो। योग में ज्ञान में ध्यान ध्यान की पूरी बातें नहीं बताई बना गए, पर योग के बारे में पूछो बात बता दूंगा आपको। इस तरह से जो कोई करता होगा साधन तो ये नहीं कि मैं निराश करूँगा, कोई योग साधन करता होगा कोई गुरु चरण दे रखा है तो ये निराश नहीं जाने दूंगा, वो पूछ लो बता दूंगा उसको भी यहाँ पर वो सब के लिए नहीं होगा, थोड़ा सहन में बताऊंगा। कोई प्रश्न भी रह रहा तो मेरे को पूछो, मेरे को बेटी पूछ सकते हो, घर का आदमी हो कोई दूसरा आदमी हो, इनमें महात्मा ने बोलने को नहीं, बैठ जा। पर मेरे पास कोई महात्मा कोई दूसरा बैठने पुलिस नहीं है, क्यों? मैं साधारण घर का आदमी हूँ, घर की तरह बात कर रहा हूँ। तो कोई बात किसी बेटी को है कुछ पूछना चाहती है वो पूछ लो, कोई शंका पूछ लो, शंका जो आदमी भ्रमा कुप है बहुत सा भ्रम है, पर मेरे सत्संग से आपका वो भ्रम रहेगा नहीं। हाँ भाई लोग कोई पूछना चाहे पूछ लो। कोई प्रश्न नहीं है तो मजाक की बात है या मजाक वाली बात समझ लो। पहली एक तरह की कि आप मेरी सब बात समझिए, सब समझ जाओगे तो क्या पूछोगे भाई? जब सभी समझ गए तो क्या पूछना उसमें? और या मेरी बात कुछ नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे तो भी क्या पूछना? ये दोनों बात एक बात होगी, ठीक है ना? ये बात होगी। या तो जादूगर हो, उनको जादू बांटा हो, जादू जुदू कुछ नहीं मेरा। जैसे आप बैठे आपकी रेडिएशन टकराती है मेरे मुँह से वही बात निकलती रहती है। जैसे आप आए आज सत्संग आपको दिया कल कुछ और तरीके से दूंगा, जैसे आदमी बैठे वैसे सत्संग दूंगा। डॉक्टरों के पास जाऊँगा डॉक्टरों दौड़ूंगा, बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट के वकीलों को दूंगा तो इसी तरह से बोलूँगा उनका, उनके मुताबिक कोई उनको प्रसन्न नहीं होगा। नहीं बोलन दी वो दादे अपने बात के ऊपर बात के ऊपर बात मारते हैं। मेरा भी बोल तो ले, जो मैं बता दूंगा तो पूछोगा तो बुद्ध बता देना उसको, मैंने बता तो आप बताओगे मैं नहीं बताऊँगा। चाहे कितने बड़े वकील साहब हो उनको बता दें बहुत बड़े आवाज है, लेकिन वो अगर मेरी बात पूछड़ी को फिर पूछते तो उन्होंने बताना साहब क्या कर रहे हो, अगर ये दवाई करो थोड़ी बहुत आप बोलोगे बोला ठीक है जी, तो वह आप ही रोक देते हैं अपना। मैं जो जितनी बातें तो उनको दुख सुखाड़ी वो पूरी वकीलों के लिए परेशानी होती है वो सब बात बता देता हूँ। अब जैसे कोई किसान आता है किसान के तो परेशानी बता देता हूँ। अब गृहस्थी आते हैं तो गृहस्थी वाले की बात बता दूँगा सबको। और जो कोई योग साधन करना आता है योग साधन वाले कर दूँगा। तो मैं जानता तो नहीं किसी बात की, मन की बात नहीं जानता। कही दीजिए आप तो मन की बात जानते हो, मन की बात जानते हो। डॉक्टर कमला जी पहले मेरे पास आते थे तो कहती आप जानी जानो, मैं नहीं भाई बोले कैसे पता, मैं आऊँ तो मेरे मन में जो बात हो आप पर ही बता देते हो। मैं बोले आपकी रेडिएशन आती मेरे पर पड़ती है और बात मेरे मुँह से सहज निकल जाती है, मुझे पता नहीं योगी हूँ मैं न्यूट्रल, नहीं तो कोई विचार ही मेरा नहीं किसी तरह को कुछ भरा बात है, खोपड़ी साफ साफ है बिल्कुल। तो जो आप आते हैं तो जैसे आपके विचार मुँह से निकल जाती है, समझा कि बात ये सच्चाई है। तो आप भी ईश्वर से बोल सकते हैं, आप में भी है मेरे में नहीं। अगर आपका मन साफ हो जाएगा तो जो आदमी आएगा बात करेगा पहले आपको पता तो लग जाता है अभी, पर फिर विश्वास को नहीं होता अभी, और फिर बाद में आपको विश्वास हो जाएगा पक्का। जो आ क्या कोई बोलेगा आपका मन साफ होगा तो साफ बोल देगा वो, समझे कि नहीं? आपके मुंह से आप निकल जाए आप मजमून बोई आप ईश्वरी ईश्वरंश आप। पहले दो दो किताब ले जाओ खुद पढ़ो, पढ़ के बाद में जब नहीं पढ़ सकते हो ना तो किसी दूसरे को देना, आड़े मत डालना किताबों को, बड़ा पढ़ी पढ़ी बुरी मत करना, या तो पूरी सेट मंगा लेना अच्छी लगे तो पूरी सेट दे रखना।